फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लौकी के कोफ्ते बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक लौकी ले लिया है, फ्रेश है, मुलायम है। कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम लौकी को अच्छे से छील लेंगे। इस तरह से हमें छील लेना है। छील लिया है, देखिए इस तरह से। अब हम इसका किनारा हटा देंगे। इस तरह से हमें साइड का हटा लेना है। अब हम इसको काट के लौकी को एक प्लेट में रख लिया है। अब हम कद्दूकस करने वाला ले लेंगे, ये जो बड़ा वाला है इससे हम कद्दूकस करेंगे। इसको सारे लौकी को कद्दूकस कर लिया है। इसमें अगर एक दो बीज अगर आ जाते तो आप उसको हटा लीजिए। अब एक बर्तन ले लीजिए जिसमें हमें मिक्स करना है। इसमें पानी निकाल के इस तरह से हम रखते जाएंगे बर्तन में। मैंने हल्का सा पानी निचोड़ लिया है लौकी इस तरह से। अब कोफ्ते बनाने के लिए लौकी के साथ हमने थोड़ा सा धनिया पत्ता लिया है, प्याज बारीक काट के मैंने रख लिया है, थोड़ा सा बेसन है, एक हरी मिर्ची है और कुछ मसाले हैं। अब हम इसको इस सब में मिक्स करेंगे। लौकी में हम प्याज ले लेते हैं, धनिया पत्ता ले लेंगे, बेसन भी ले लेते हैं। 3 चम्मच हम बेसन ले रहे हैं, हरी मिर्ची भी, स्वाद के अनुसार नमक ले लीजिए। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने नमक ले लिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर है, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर है। सबको हम अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हम सभी को मिक्स कर लिए, लेकिन ये थोड़ा सा गीला है, इसी वजह से हमने लौकी का पानी भी निकाला था लेकिन फिर भी गीला है, तो थोड़ा सा बेसन हम और ले लेते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने बना लिया है, देखिए बहुत ही अच्छा से मैंने इसको शेप दे दिया है। अगर लौकी में से पानी नहीं निकालेंगे तो आप शेप नहीं दे पाएंगे, तो पानी निकालना बहुत जरूरी होता है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। एक पैन में हमने तेल ले लिया, इसको गर्म कर लेते हैं। गर्म हो गया, अब इस तरह से आप रख लीजिए। तुरंत हमें नहीं कुछ करना है, बस रखते जाना है। हमने सभी को रख लिया है पैन में। इस तरह से अब हम इसको पलट लेते हैं। एक तरफ से पक गया है, देखिए हमने पलट लिया है, देखिए सभी को। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी पका लेंगे। कोफ्ते हमारे पक गए हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं। इस तरह से आप तेल में से छान के अच्छे से निकाल लीजिए। इस तरह से हमने सारे कोफ्ते निकाल लिए, देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो थोड़े से बचे उसको भी हम बना लेते हैं। इसी तरह से थोड़े से और बचे थे उसको भी बना लिए। अब हम ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमने 2 टमाटर को पेस्ट बना लिया है, 2 प्याज का भी पेस्ट बना लिया है, थोड़े से हरी मिर्ची लिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट हमने ले लिया है, कुछ मसाले भी हमने ले लिए। तो चलिए अब ग्रेवी बनाते हैं। एक पैन या कढ़ाई ले लीजिए, मैंने जिसमें फ्राई किया था वही पैन ले रही हूँ। इसमें अब हम सरसों का तेल रख लेंगे, थोड़ा सा जीरा ले लेते हैं, इसको हम भून लेंगे अच्छे से। अब हम प्याज का पेस्ट ले लेते हैं। प्याज का पेस्ट ले लिया है, अच्छे से इसको भून लेंगे हम। थोड़ा सा भून गया है, अब हम टमाटर का पेस्ट ले लेते हैं, लहसुन का पेस्ट ले लेते हैं, धनिया पाउडर ले लेते हैं। हमने 2 चम्मच के आसपास धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने हल्दी ले लिया, हमने 1 चम्मच मिर्ची पाउडर ले लिया है। सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर है, इसको हम फिर से मिक्स करके थोड़ा सा और भून लेंगे। हमने थोड़ा सा भून लिया है, अब हम पानी ले लेते हैं। मैंने 1 कप पानी लिया, पानी रख के हमने मिला लिया है, लेकिन ये बहुत ही गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी हम और ले लेते हैं। 1 कप करीब हमने पानी फिर से ले लिया है, इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे। मसाला हमारा अच्छे से पक जाएगा, फिर बाद में हम लौकी के कोफ्ते डालेंगे। ग्रेवी बॉयल हो रही है, अब हम कोफ्ते लेके रख देते हैं। इस तरह से हम सारे रख लेंगे। सभी कोफ्ते को हमने रख लिया है, इसको अब हम 1 मिनट पका लेंगे। ग्रेवी हमारी तीखी है, ज्यादा पानी नहीं रखें, लेकिन 2 बार करके हमने 1 ग्लास पानी जरूर यूज कर लिया है।
एक मिनट हो गया है। अब हम हरी मिर्ची जो रखे थे उसको ले लेंगे, इससे इसका तीखा थोड़ा हो जाएगा। अगर आप तीखा ज्यादा नहीं पसंद करते हैं तो आप ना ले ऊपर से हरी मिर्ची, गैस को बंद कर देते हैं और सर्व कर लेते हैं। हमने इसको सर्व कर लिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। आप जरूर इसको एक बार ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छी सी रेसिपी लेके आती रहूंगी जो बहुत ही जल्दी और कम चीजों से बन जाए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।